इमेजिन करें कि आप एक ऐसे देश में जन्म लिए जिस देश के अंदर भूख की वजह से लोग एक दूसरे का खून करते रहे, भूख की वजह से तड़प तड़प के मरे, ऐसी गरीबी उस देश के अंदर है। नशे के हालात में पूरा देश डूब चुका है। 70,000 की पॉपुलेशन में से 15,000 की पॉपुलेशन ऐसी है जो नशे की हालात में डूब चुकी है। नशा ऐसे बिकरा जिस तरीके से भारत के अंदर आज हम गली नुक्कड़ पे बात करें तो चाय की दुकान मिल जाती है, उसी प्रकार उस देश के अंदर नशे की दुकान, अफीम, चरस, गाजे की दुकान मिल जा रही। नशे के चक्कर में एक दूसरे का खून कर देते हैं, उस देश का क्या हालत होगा। प्राकृतिक संसाधन की बात किया जाए तो रेत के सिवा उस देश के अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेत है, कुछ भी रिसोर्स नहीं है जहां से कुछ उगा करके, फसल वगैरह उगा करके लोग एक दूसरे का पेट भर ले, वो भी कुछ नहीं है उस देश। वॉचिंग फुटेज लाइक दिस, इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी नेवर बिफोर सीन आर्काइव केप्ट फॉर डेकेड्स एंड Much of Singapore's history is here. The epic, the intriguing. इसके अंदर ऐसी गरीबी है उस देश के अंदर जिस देश का नाम था सिंगापुर। जी हाँ, आपने सही सुना, आज का सिंगापुर और 1960 का पहले सिंगापुर देखेंगे तो जमीन और आसमान का फर्क है। आज अगर हम बात करें 1960 में चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद एक व्यक्ति होता जो चुनाव जीत कर आता, ली कॉन यू प्रधानमंत्री बनता। वो व्यक्ति ली कॉन यू जो है पूरे सिंगापुर का तस्वीर बदल देता है, चेहरा बदल देता है। जब तक वो आज पूरी दुनिया के अंदर जीडीपी के मामले में, जीडीपी पर कैपिटा के मामले में पूरी दुनिया का दूसरे नंबर पे आता है, पूरे एशिया के अंदर पहले नंबर पे आता है जीडीपी पर कैपिटा के मामले में। 6 में से आज उस देश के अंदर 6 आदमी में से 1 आदमी जो है करोड़पति है। आज उस देश का हालत बदल चुका है। इससे ये पता चल जाता है अगर किसी देश के अंदर एक सही नेता, सही लीडर मिल जाए तो पूरे देश का हालत बदल सकता है, जिससे ली कॉन यू ने पूरे सिंगापुर का तस्वीर बदल दिया। अब हम बात करते हैं अपने भारत में, भारत के अंदर एक राज्य है उत्तर प्रदेश। क्या हमारा उत्तर प्रदेश सिंगापुर नहीं बन सकता? बन सकता है। जरूरत है ली कॉन यू की तरह हमारे देश के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर एक सही लीडरशिप के अंदर। अगर सही लीडरशिप हमारे देश के अंदर है, या चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर उसमें एक सही लीडरशिप है तो उसका भाग खुल जाएगा, उसकी किस्मत बदल जाएगी। जिस प्रकार सिंगापुर की किस्मत बली, उस छोटे से देश को अगर उसको नक्शे में जूम करोगे ना तो भी नहीं दिखेगा जल्दी से, वैसे देश की अगर स्थिति बदल सकती है तो हमारे उत्तर प्रदेश के पास संसाधन के नाम पे बहुत सारी चीजें हैं, हमारा उत्तर प्रदेश भी बदल सकता है। कैसे? सबसे पहले कोई भी कंपनी फैक्ट्री लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो होता मजदूर। जितनी भी कंपनियां फैक्ट्रियां, ये सबसे पहले एक सस्ता मजदूर ढूंढती, चाहे आप कहीं भी चाहे सऊदी अरब में, आज उत्तर प्रदेश बिहार के कोने कोने मिलेंगे, सऊदी अरब में, सिंगापुर के अंदर, दुबई के अंदर सब मिलेंगे। उतना सस्ता मजदूर हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर है। अगर एक सही लीडरशिप है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाए और एक कंपनी लगाए और जब उनको ऑफर किया जाएगा, कुछ सिस्टम बताया जाएगा, ऐसा कुछ तकनीक निकाला जाए और कंपनियां आएंगी, सस्ता मजदूर मिलेगा, वो करेंगे। लेकिन एक लीडरशिप सही ना होने की वजह से आज हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा बिहार बहुत पिछड़े एरिया में गिना जाता है। कारण क्या? लीडरशिप नहीं। संसाधन के नाम पर सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे पास है, जो पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सबसे सस्ता मजदूर आज हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर है। दूसरी चीज, आज अगर उत्तर प्रदेश को विकसित करना है तो सबसे पहले जो है टूरिज्म। आप उदाहरण उठाकर देखिए, भगवान रामचंद्र का जन्म कहां हुआ? उत्तर प्रदेश के अंदर। बुद्ध भगवान का जन्म कहां हुआ? उत्तर प्रदेश। कृष्ण भगवान का जन्म कहां हुआ? उत्तर प्रदेश। ताजमहल कहां? उत्तर प्रदेश। शंकर भगवान जहां काशी नगरी कहा जाते, कहां? उत्तर प्रदेश, कुशीनगर। ये सारे जगह पे जहां पे हम टूरिज्म के अंदर बहुत फोकस कर सकते हैं और जिससे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आ सकता है और हमारा स्टेट चमक सकता है। दोस्तों, अभी जो अयोध्या के अंदर SBI का रिपोर्ट आया कि 2024 और 25 के अंदर जो अयोध्या के अंदर होगा वो 25,000 करोड़ रुपए आएंगे। अगर एक टूरिज्म से, अयोध्या से आया था, ऐसे सारी चीजों को अगर विकसित किया जाए तो हमारा उत्तर प्रदेश भी बदल सकता है। महत्वपूर्ण है जिसको आप वोट दे रहे हैं, क्या वो लीडरशिप के अंदर, वो लीडरशिप है, क्वालिटी है जो हमारे स्टेट को बदल सकता है।
अगर बदल सकता है तो बहुत अच्छी बात। पूरे भारत में कृषि की बात की जाए, तीसरा जो संसाधन है उत्तर प्रदेश और बिहार के पास तीसरा संसाधन है वो है कृषि। आज भारत के अंदर सबसे उपजाऊ जो मिट्टी है वो उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की भूमि ऐसी है जहां पे हर प्रकार का फसल उगा सकते हैं। गन्ना चाहिए गन्ना उगेगा, धान चाहिए धान उगेगा, गेहूं चाहिए गेहूं उगेगा, सब पंजाब से ज्यादा गेहूं आज हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि पे भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। अगर इसके ऊपर फोकस किया जाए तो हमारा कृषि में पूरे भारत के अंदर सबसे बेहतर राज बनकर उभर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो तो पहली चीज जो ये क्राइम नाम की जो चीज है ना उत्तर प्रदेश से खत्म करना पड़ेगा। सिंगापुर ने आज जो सबसे ज्यादा लगाम पाया वो क्राइम के ऊपर इतना ज्यादा सख्त शासन लागू कर दिया जिसकी वजह से क्राइम करने के लिए एक बार आत्मा सोचती है कि यार करें कि ना करें, वैसा सिंगापुर के अंदर कानून है। ये जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर बाहुबली टाइप लोग है ना इनको सबसे पहले अंदर डालो, ऐसा ऐसा केस लगाओ ये तो सही सुधर जाए, नहीं तो इनको सुधार दो या तो देश छोड़कर चले जाए या स्टेट छोड़कर चले जाए। ये जब तक बाहुबली टाइप के हमारे भारत देश में हमारे उत्तर प्रदेश में बिहार के अंदर रहेंगे और सब उत्तर प्रदेश और बिहार का सबसे बड़ा पिछड़ा होने का कारण क्या, ये बाहुबली टाइप लोग के लिए बेचारे बिजनेसमैन आते हैं कंपनी फैक्ट्री लगाते हैं, लगाने के बाद ये उनसे वसूली करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से कोई भी बिजनेसमैन यहाँ पे कंपनी फैक्ट्री नहीं लगाता है। तो अगर आप लगाम लगाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में सोचना चाहते हैं तो ये बाहुबली टाइप के जितने भी लोग हैं इनको सबको अंदर करो। जब तक ये नहीं सुधरेंगे हमारा राज हमारा स्टेट कभी सुधरने वाला नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। अगर चैनल पर है तो पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, भाई को प्यार आपका जरूरी है दोस्तों।